नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं, जिसमें से कई बार पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं एक बड़ा बदलाव नेता प्रतिपक्ष के टिकट पर हुआ है, उन्हें चूरू की जगह तारानगर भेजा गया है। इस लिस्ट में 10 महिला हैं। बड़ी बात यह है कि जाट, ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय का पूरा जोर है। बता दें कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से मैदान में उतारा गया है। वहीं ज्योति मिर्धा को नागौर से मैदान में उतारा गया है। बता दें कि अनपुगढ़ से संतोष बावरी, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, सूरजगढ़ से संतोष अलहावत, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, जायल से मंजू भागमार, नागौर से ज्योति मिर्धा, मकराना से सुमिता भिंचर, सोजत से शोभा चौहान, राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी, झालरापाटन से वसुंधरा राजे को टिकट दिया गया, जिसमें से ज्योति मिर्धा ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया। आपको बता दें कि जाट, ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय की पूरी हिस्सेदारी है। जाट नेताओं की बात करें तो आमोर से सतीश पुनिया, लुड़करण से सुमित गोदारा, सूरजगढ़ से संतोष अलहावत, नागौर से ज्योति मिर्धा के ये बड़े नाम हैं। इनका जाट क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है। वहीं क्षत्रियो नेता की बात करें तो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, नरपत सिंह राजवी और सिद्धि कुमारी का नाम है। इनका क्षत्रिय क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है। वहीं दलित नेताओं में अनीता भदेल, संतोष भावरी, कैलाश चंद्र वर्मा का प्रभाव है। वहीं ब्राह्मण नेताओं में कई को टिकट मिला है, चोमू से रामलाल शर्मा, सांगनेर से भजनलाल शर्मा और कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट मिला है। ऐसे में इन सभी जातियों को साधा गया। आपको बता दें कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल गई है, उन्हें चूरू की जगह तारानगर भेजा दिया है। वहीं एक बार पहले भी राजेंद्र राठौड़ तारानगर से विधायक रह चुके हैं। वहीं चूरू पर हरलाल सराण को मैदान में उतारा गया है। चूरू में इस बार राजेंद्र राठौड़ के लिए स्थिति कमजोर दिख रही थी, इसलिए इस सीट पर उनको पहले से पैच इसलिए सीट को लेकर पहले से चर्चा खूब हो रही थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।